हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज हम जाने वाले हैं मेरे बहुत ही फेवरेट जगह जिसका नाम है आश्रय फॉर एनिमल। ये एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग आए हैं आश्रय फॉर एनिमल। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा जग्गू आप देख सकते हैं। और इसको देखिए, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर ये सब बहुत ही क्यूट है। आप देख ही सकते हैं, इस वाले डॉग के पैर में इशू है, ये चल नहीं पा रहा है। आओ,
इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग के हर एक के गली में कुछ ना कुछ डॉग्स होते हैं, कुछ ना कुछ कैट्स होते हैं, तो आप आगे बढ़े, उनको सपोर्ट करें। आप चाहे तो उन्हें फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है तो आप अपने कोई पुराने कपड़े या फिर कंबल या फिर कुछ भी हो उनको दे सकते हैं ताकि उनको रातों में ठंड ना लगे। एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको मारा मत कीजिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कुछ लोग अननेसेसरी बिना किसी रीज़न के उनको मारते हैं। शायद उनको मज़ा मिलता होगा लेकिन उनका मज़ा किसी और के लिए सज़ा होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आगे बढ़े, स्ट्रीट डॉग्स को सपोर्ट करें। स्ट्रीट डॉग नहीं, सभी एनिमल्स को सपोर्ट करें जो आपको दिखे, जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो नहीं कर सकते उनको करने को बोलूँ, ये हम सब कर सकते हैं। किसी बेजान का मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और एक और बात कहना चाहूँगी जो अभी गाड़ी चलाते हैं उन लोग से, कि प्लीज़ आप लोग सेफ ड्राइव करें, क्योंकि सेफ ड्राइव करने से ना सिर्फ आपका अपना जान सुरक्षित रहता है बल्कि जो रोड साइड जो भी एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनका भी जान सेफ रहता है। अगर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जिससे किसी डॉगी के पैर पड़ से चला गया तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उसको वो चीज़ लाइफ टाइम भुगतना पड़ सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सभी बातों का ध्यान में रख के गाड़ी चलाएं। ये जाने कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं रोड पे एनिमल्स जिनको हार्म आप ना करें। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।